एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह एक बेहद चौंकाने वाली और दुख की खबर सुनने को मिली है। आपकी प्यारी श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। 54 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। वो अपनी एक पारिवारिक शादी में पहुंची हुई थी दुबई, बताया जा रहा है। वहीं पर श्रीदेवी को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से बीती रात उनका निधन हो गया। पूरा बॉलीवुड इस वक्त सदमे में है और श्रीदेवी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि श्रीदेवी चल बसी है। शत्रुघ्न सिन्हा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्हें घबराहट सी हो रही है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें घबराहट सी हो रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट किया, ए आर रहमान ने ट्वीट किया। ट्विटर पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा बॉलीवुड एक के बाद एक इस खबर पर ट्वीट कर रहा है, क्योंकि ये खबर पूरी तरह से यकीन से परे है। इस बात को मानना कि श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, खूबसूरत नजर आती थी, एंड टाइम तक अपने आप को पूरी तरह से फिट रखती थी, खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ना बेहद चौंकाने वाली बात। और अब से कुछ दिन पहले लैक्मे फैशन वीक इवेंट में उन्हें उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर के साथ देखा गया था। आपको ये भी बता दें कि श्रीदेवी अपने अंतिम क्षणों में अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर और बोनी कपूर के साथ थी जिस वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा। लेकिन उनकी जो बड़ी बेटी जानवी कपूर, वो मुंबई में ही थी, वो दुबई में शादी में शिरकत करने नहीं पहुंची थी, क्योंकि जानवी की फिल्म जो आ रही है उसकी शूटिंग मुंबई में चल रही थी। फिलहाल जो खबर है वो ये है कि जैसे ही जानवी कपूर को एक खबर मिली, वो भी दुबई के लिए रवाना हो गई। लेकिन अब श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जा रहा है।